नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 17 फरवरी। चलो जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। तमिलनाडु चिकित्सा सेवा भर्ती बोर्ड TNMRB ने निकाली रिक्तियां। तमिलनाडु चिकित्सा सेवा भर्ती बोर्ड TNMRB ने डायलिसिस तकनीशियन ग्रेड 2 के कुल मिलाकर 292 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 या समकक्ष कोई डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 फरवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.mrb.tn.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा आज से। बिहार बोर्ड की मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 की शुरुआत आज से होने वाली है। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर तैयारी भी पूरी कर ली गई है। अगर किसी छात्र के प्रवेश पत्र में फोटो की त्रुटि है तो उसे आधार नंबर से प्रवेश मिलेगा। इसीलिए ऐसे जो भी छात्र जिनके फोटो में गलती है वो आधार नंबर लेकर जा सकते हैं। इतना ही नहीं, छात्रों को हिदायत दी गई है कि परीक्षा में कोरोना संक्रमण के लिए एडमिट कार्ड में बताई गई सभी गाइडलाइन को घर से ही पढ़कर जाएं। इसके साथ ही ध्यान रहे, छात्र अपने साथ आधार नंबर के अलावा वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या युक्त बैंक पासबुक में से कोई एक पहचान पत्र दिखाकर प्रवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही परीक्षा के दौरान सभी छात्रों का मास्क लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। शेखपुरा के मठोकर देह में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। शेखपुरा जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर पश्चिम एवं शेखपुरा सराय प्रखंड से लगभग 9 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित मठोकर देह तालाब अपनी पवित्रता एवं रमणीयता के कारण एक अलग स्थान रखता है। टाटी नदी का किनारा और पहाड़ी इस क्षेत्र के अनुपम रूप में 4 चांद लगाते ही है। साथ में गौतम बुद्ध द्वारा यहां अपने शिष्यों को उपदेश देने के कारण इस पवित्र स्थान का अपना एक अलग महत्व है। इस तालाब के निर्माण के संबंध में तरह तरह की किदंतियां प्रचारित है। कुछ लोग इसे द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम के आदेश पर ग्वाल बालों द्वारा खुदवाया मानते हैं। कुछ लोग इसे महाबली भीम द्वारा खुदवाया बताते हैं। बिहार में अब एनएच के किनारे दिखेंगे नैनो मार्केट। सड़क से लंबी दूरी तय करने वालों को अक्सर खानपान की समस्या देखने को मिलती है। अब तक किसी को भी खाना खाने या आराम करने की सुविधा एनएच के आसपास नहीं मिलती थी, लेकिन बिहार में अब एनएच पर सफर के दौरान यात्रियों को अब खानपान की बेहतर सुविधा मिलने वाली है। अब एनएच से सफर करने वाले यात्रियों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, न ही अब सफर करने वालों को खरीदारी के लिए कहीं दूर जाना पड़ेगा। नेशनल हाईवे किनारे में ही नैनो मार्केट बनाया जाएगा। इसमें रेस्टोरेंट, एटीएम, क्राफ्ट शॉप, ढाबा से लेकर बच्चों के खेलने की व्यवस्था की जाएगी। लोगों को यह सुविधा देने के लिए सड़क और परिवहन मंत्रालय ने बिहार के अधिकारियों ने कवायद शुरू कर दी है। टोल प्लाजा पर अब नकदी के लिए कोई कैश काउंटर उपलब्ध नहीं। बिहार के सभी टोल प्लाजा पर 15 फरवरी की रात 12 बजे से तमाम नकदियों को लेने का प्रावधान बंद कर दिया गया है, जिसके बाद जिन गाड़ियों में फास्टैग नहीं लगे होंगे उन्हें दोगुना टोल देकर सफर करना पड़ सकता है। देशव्यापी नियम के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसकी व्यवस्था कर दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब तक बिहार में नेशनल हाईवे के 25 स्थानों पर टोल टैक्स की वसूली होती है। हालांकि अभी मात्र 51% गाड़ियों में ही फास्टैग लगी है। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार प्लाजा से हर दिन औसतन 2 लाख गाड़ियां पार करती हैं। इनमें 1 लाख से अधिक गाड़ियों में फास्टैग की सुविधा है, जबकि बाकी बची गाड़ियों में फास्टैग नहीं है। इतना ही नहीं, बिहार में अब एक भी टोल प्लाजा पर कैश लेने वाले काउंटर को ही हटा दिया गया है। पंचायत चुनाव के लिए बिहार में 800 मतदाताओं पर एक बूथ का होगा गठन। पंचायत चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर लगातार कई सारे बदलाव भी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में एक और बदलाव सामने आया है, जिसके तहत अब पंचायत चुनाव के लिए बिहार में 800 मतदाताओं पर एक बूथ का गठन किया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि मतदान केंद्र के गठन की प्रक्रिया को लेकर 800 मतदाताओं पर एक बूथ के गठन की तैयारी की गई है। हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा आम चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए 1000 मतदाताओं पर एक बूथ का गठन किया गया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य में साल 2016 में हुए चुनाव में 1,19,000 बूथ का गठन किया गया था। इन बूथों का गठन 700 मतदाताओं के आधार पर किया गया था। मार्च के पहले सप्ताह में शुरू होगा टीकाकरण का तीसरा चरण। बिहार समेत पूरे देश में कोरोना टीकाकरण का काम तेजी से किया जा रहा है। वहीं 2 चरणों के बाद अब तीसरे चरण की तैयारी बिहार में शुरू हो गई है। इसी क्रम में अब मार्च के पहले हफ्ते में टीकाकरण का काम शुरू किया जाना है, जिसके तहत तीसरे चरण के टीकाकरण का काम मार्च के पहले हफ्ते में शुरू होगा। इस बीच सभी जिलों में फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना टीका का पहला डोज दिए जाने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। वहीं तीसरे चरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया है कि तीसरे चरण के कोरोना टीकाकरण को लेकर भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाने का इंतजार किया जा रहा है। अगले 10 दिनों में केंद्र से इस संबंध में दिशा निर्देश मिलने की उम्मीद है।
बिहार में मतदाताओं को लेकर नई वोटर लिस्ट हुई जारी। बिहार में मतदाताओं को लेकर नई वोटर लिस्ट को जारी कर दिया गया है, जिसके तहत राज्य में 14,66,829 नए मतदाता बनाए गए हैं। इनमें युवा मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। सीईओ द्वारा जारी किए गए इस सूची में कुल 14,66,829 नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने हैं, जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। आयोग द्वारा अंतिम मतदाता सूची में 2,18,217 मतदाताओं के नाम को भी हटाया गया है। इतना ही नहीं, अंतिम मतदाता सूची में 271 नए थर्ड जेंडर वोटर को शामिल किया गया है। बिहार झारखंड के पूर्व राज्यपाल रामा जोइस ने दुनिया को कहा अलविदा। बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल एम रामा जोइस ने आखिरी सांस ली है। खबरों की माने तो वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। परिवार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार राज्यसभा के पूर्व सदस्य 88 वर्ष के जोइस उम्र संबंधी बीमारियों से काफी समय से प्रभावित थे। वो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। हालांकि एम रामा जोइस का जन्म 27 जुलाई 1932 को शिमोगा में हुआ था। उनके गुजर जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है, जिसके तहत उन्होंने उनकी आत्मा की शांति की कामना की है। साथ ही उन्होंने ऐसे समय पर परिवार को भी हिम्मत साथ काम करने की अपील की है। गया और दरभंगा में बनेगा बाल भवन। बिहारी बाल भवन किलकारी की तर्ज पर ही बाल भवन दरभंगा और गया जिले में भी निर्माण होने वाला है। इसकी जिम्मेदारी बाल भवन किलकारी को दी गई है, जिसके तहत गया बाल भवन 2.4 एकड़ जमीन और दरभंगा 1 एकड़ जमीन में तैयार होगा। दोनों जिलों के भवन में 3,000 छात्रों को अलग अलग विधाओं में प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा। दोनों बाल भवन को बनाने को लेकर राशि मिल चुकी है। इनडोर एक्टिविटी में नाटक, नृत्य, संगीत, चित्रकला, हस्तकला, मूर्तिकला, सृजनात्मक लेखन, पुस्तकालय, विज्ञान, फिल्म निर्माण, कंप्यूटर आदि एक्टिविटी शामिल है। खान और भूतत्व विभाग ने की लक्ष्य से अधिक राजस्व की वसूली। खान और भूतत्व विभाग ने जनवरी तक निर्धारित किए गए लक्ष्य का 105.66% राजस्व की वसूली कर ली है। खान और भूतत्व मंत्री जनकराम को विभाग के प्रधान सचिव हरजोत कौर बमहरा ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है। इसके साथ ही मिली जानकारी के अनुसार 4 जिले शेखपुरा, गया, नवादा एवं औरंगाबाद में इस साल कुल 22 पत्थर भूखंडों की बंदोबस्ती समाप्त हो रही है। इन पत्थर भूखंडों की फिर से बंदोबस्ती की कार्रवाई निरीक्षण के बाद कराई जाएगी। मौसम बदलाव के कारण प्रदूषण में आई कमी। ठंड में कमी आने और वसंत की शुरुआत के साथ ही पटना वासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है, जिसके तहत पटना शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार होने लगा है। इतना ही नहीं, एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी सुधार की बात कही गई है, जिसके तहत एयर क्वालिटी इंडेक्स में 100 पॉइंट तक की कमी दर्ज की गई है। ठंड के समय की बात करें तो दिसंबर जनवरी महीने में हवा का घनत्व बढ़ने से उसमें तैरने वाले सूक्ष्म धूल कण, खासकर की PM2.5 की मात्रा बहुत बढ़ गई थी और कहीं कहीं तो यह 500 के आसपास पहुंच गई थी। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में धूप खिलने के कारण इसमें और सुधार आ सकता है। वैसे सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की भीड़ से हवा के प्रदूषित होने की आशंका बढ़ती जा रही है। बिहार में कई पुलिस कर्मियों का हुआ तबादला। बीते दिन बिहार में बड़े पैमाने पर 17 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है, जिसके बाद अब इंस्पेक्टर, दरोगा और जमादार के बाद हवलदार और सिपाहियों का भी तबादला किया जाएगा। डीजीपी के आदेश के बाद डीआईजी ने इन पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण कर दिया है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सेवानिवृत्ति की निकटता को देखते हुए ही बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है। इन पुलिस कर्मियों ने तबादले के लिए आवेदन किया था, जिस पर ही विचार विमर्श के बाद पुलिस उप महानिरीक्षक ने रिक्ति की उपलब्धता को देखते हुए इन अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिसमें हवलदार, सिपाही और ASI का नाम शामिल है। आज से सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सभी कक्षाओं की शुरू हो जाएगी पढ़ाई। बिहार के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज में आज से सभी कक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से करवाया जाना है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर सशर्त अनुमति दे दी है। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक ने इस बाबत सभी विश्वविद्यालय के कुल सचिव को इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। हालांकि ये भी साफ कर दिया गया है कि कक्षाओं के संचालन में यह ध्यान दिया जाए कि विद्यार्थियों की उपस्थिति 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद अब हर दिन केवल 50% छात्रों के ही उपस्थित होने की अनुमति होगी। बिहार के 6 राजकीय संग्रहालयों को आकर्षण में लाएगी सरकार। प्रदेश के 6 राजकीय संग्रहालयों को सरकार पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाने वाली है। इतना ही नहीं, इन संग्रहालयों का रखरखाव और सौंदर्यीकरण भवन निर्माण विभाग करेगा। राज्य की समृद्ध विरासत के संरक्षक और पर्यटन केंद्र बनाकर सरकार इनका विकास करेगी। भवन निर्माण की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार हाल ही में कला, संस्कृति और युवा विभाग ने भवन निर्माण को एक प्रस्ताव देकर अलग अलग जिलों के 6 राजकीय संग्रहालय के रखरखाव और इन्हें विकसित करने का आग्रह किया था। प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद ही इन्हें विकसित करने का आग्रह किया गया था।
अब तेल्हाड़ा और चुरांद की मिट्टी में दफन बिहार के इतिहास को लाया जाएगा बाहर। बिहार के दो पुरातात्विक स्थलों की खुदाई को लेकर बिहार पुरातत्व सर्वेक्षण ने अनुमति दे दी है। इसमें नालंदा का तेल्हाड़ा और सारण का चिरांग शामिल है। हालांकि इससे पहले इन दोनों जगहों पर किए गए खुदाई में इसके 2000 साल से अधिक पुराने होने के प्रमाण भी मिले थे। कला संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव रवि परमार ने बताया है कि नालंदा के तेल्हाड़ा और सारण के चुरांद में पहले भी खुदाई हो चुकी है। इसमें कई पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। एएसआई ने फिर से यहां पर खुदाई करने की अनुमति मांगी थी, जो मिल गई है। एक साल तक खुदाई करने की अनुमति मिली है। तेल्हाड़ा में काम शुरू हो गया है। चुरांद में भी जल्द खुदाई का काम शुरू होगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज कराने के बाद बिहार आएंगे हिमांशु। दरभंगा जिले के बेनीपुर प्रखंड के डेकराम निवासी मनोज मिश्रा और अनामिका मिश्रा के पुत्र हिमांशु मिश्रा ने एक मिनट में फुटबॉल को 172 किक मारकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था, जिसके बाद से हिमांशु के गांव में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जिसके बाद अब स्थानीय लोगों की माने तो हिमांशु भी जल्द ही बिहार आने वाले हैं, जहां आकर वो अपनी मातृभूमि को नमन करेंगे। गांव के युवा के इस उपलब्धि ने मिथिला समेत पूरे बिहार का मान बढ़ाया है। अब उनके गांव आने की सूचना को लेकर ग्रामीणों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। महात्मा गांधी जी ने 1915 में पहली बार शांति निकेतन का दौरा आज ही के दिन किया था। चुनाव आयोग ने 17 फरवरी 2014 में अंतिम चरण के मतदान खत्म होने तक एग्जिट पोल के प्रसारण पर आज ही के दिन रोक लगाई थी। 1954 में प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और भारत के नवगठित 29वें राज्य तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का जन्म आज ही के दिन हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का 1988 में उन्होंने आज ही के दिन आखिरी सांस ली थी। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम उप गवर्नर जेम्स ब्रेड टेलर का 1943 में आज ही के दिन उन्होंने आखिरी सांस ली थी। राजद ऑफिस का रास्ता ब्लॉक होने के कारण आवेश में आए जगदानंद। बीते दिन सरकार की तरफ से राजद ऑफिस के सामने सड़क को तोड़कर फुटपाथ का निर्माण करवाया जा रहा था, जिसको देखकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने ही इसको लेकर मुख्यमंत्री को ही भला बुरा कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे मुख्यमंत्री का मूर्खतापूर्ण हरकत भी करार कर दिया है। इतना ही नहीं, काम को देखकर जगदानंद बाबू इतने ज्यादा आग बबूला हुए कि उन्होंने काम ही रुकवा दिया। जगदानंद सिंह का कहना है कि राजद ऑफिस के गेट के ठीक सामने अगर रोड तोड़कर फुटपाथ बनाया जाएगा तो ऐसे में नेताओं की गाड़ियां राजद दफ्तर में कैसे प्रवेश करेगी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिखी मुस्कुराहट। पेट्रोल डीजल के दाम ने आम आदमी की जेब पर बड़ा प्रभाव डाला है, जिसके तहत बिहार के मुख्यमंत्री ने भी पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दामों को लेकर चिंता जताई है। जिसके तहत उन्होंने पत्रकारों की तरफ से पूछे जा रहे सवाल के जवाब में मुस्कुराते हुए कहा है कि हाँ, कीमत तो बढ़ रही है। हालांकि इस दौरान उन्होंने बातों ही बातों में लोगों से बैटरी वाली गाड़ी का इस्तेमाल करने की बात भी कही है। जिसके तहत उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हम तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बैटरी वाली गाड़ी से ही चलते हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में कई लोग इस कदम को उठाएंगे, लेकिन हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में पेट्रोल की कीमत में सरकार कमी करेगी। बिहार विधानसभा का सत्र 19 फरवरी से बिहार विधानमंडल का सत्र 19 फरवरी से शुरू होने वाला है। पहले दिन विधानमंडल का संयुक्त सत्र का आयोजन होगा, जिसमें महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण पहले आयोजित करवाया जाएगा। 19 फरवरी को 11:30 बजे बिहार विधानमंडल का संयुक्त सत्र होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा में राज्यपाल की तरफ से प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणिक कृतियों को सदन पटल पर रखा जाएगा। उसके बाद ही आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया जाएगा। इतना ही नहीं, 20 और 21 फरवरी को विधानसभा की बैठक नहीं होगी, जिसके बाद यह बैठक एक बार फिर से 22 फरवरी से शुरू होगी। राजद के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की तबीयत हुई खराब। बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की तबीयत खराब होने की खबर सामने आई है। उन्हें बीते दिन इलाज के लिए बेउर जेल से पीएमसीएच में ले जाया गया, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम लगातार उनका इलाज कर रही है। आपको बता दें, अनंत सिंह ने कुछ दिनों पहले भी पेट दर्द और कमर दर्द की शिकायत की थी। हालांकि थोड़े समय बाद उनका यह दर्द ठीक हो गया था, मगर बीते दिन उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल डॉक्टरों की माने तो उन्हें पेट दर्द और सर्वाइकल पेन की शिकायत है, जिसके कारण ही उन्हें समय समय पर दर्द का सामना करना पड़ता है। रक्सौल सीतामढ़ी रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मिली मंजूरी। रक्सौल सीतामढ़ी रेल लाइन के दोहरीकरण की मांग को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है, जिसको लेकर अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बीते दिन केंद्र सरकार और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है। इस बाबत उन्होंने कहा है कि क्षेत्र की चीर प्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए केंद्र सरकार के सौजन्य से रक्सौल से नरकटियागंज, रक्सौल से सीतामढ़ी होते हुए दरभंगा और मुजफ्फरपुर, रक्सौल से सुगौली, इन सभी लाइनों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का काम इसी साल से शुरू हो जाएगा। चारों तरफ रेल लाइन होने, काठमांडू से सीधा जुड़ाव होने से रक्सौल आने वाले समय में रेलवे में एक बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। काठमांडू से सीधा जुड़ाव होने से रक्सौल आने वाले समय में रेलवे का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा।
लोजपा के बागी नेता ने 18 फरवरी को पार्टी में बड़े टूट की कही बात। चुनावी गतिविधियों के बीच अब लोजपा के बागी नेता रहे केशव सिंह ने बड़ा बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि 18 फरवरी को लोजपा का एक बड़े धड़े के टूट के बाद जदयू में शामिल होने का दावा किया गया है। केशव सिंह की माने तो लोजपा के 60 प्रमुख नेता 18 फरवरी को जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे, जिसमें 10 नेता पार्टी के पदाधिकारी हैं। केशव सिंह ने आगे ये भी कहा है कि जब तक लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान थे, तब तक वो पार्टी हर कार्यकर्ता को लेकर चलने का काम करते थे, सबको मिलाकर चलते थे, लेकिन जब से चिराग पासवान अध्यक्ष बने हैं तब से पैसा फर्स्ट और पंजाबी फर्स्ट को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। टीम की जीत से खुश दिखे विराट कोहली। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट सीरीज का मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। भारत ने इंग्लैंड के साथ खेलते हुए दूसरे टेस्ट मैच में हिसाब बराबर कर लिया है। भारत दूसरा टेस्ट 317 रन से जीत चुका है, जिस पर विराट का भी रिएक्शन सामने आया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि पहले मैच में खाली मैदान में खेलना काफी अजीब था। हम वहां पर पहले दो दिन काफी फ्लैट थे, फील्ड पर हमारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, लेकिन पहले मैच की दूसरी पारी में हमने अपनी बॉडी लैंग्वेज में सुधार किया। दर्शकों की वापसी ने काफी बड़ा अंतर पैदा किया है। यह मुकाबला उदाहरण है धैर्य और हौसला का, जो इस टीम ने दिखाया है कि दर्शक उसका बड़ा हिस्सा रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है साहिल कुमार, रवि कुमार, दीपक कुमार, नंदलाल सिंह, शैलेंद्र कुमार, दीपक कुमार, रविन्द्र पासवान, अजीत कुमार, धर्मेंद्र कुमार, श्वेता रॉय, प्रदीप, नेहा परवीन, शंकर मुखिया, गोविंद कुमार गुप्ता, दीपक श्रीवास्तव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के माहौल को कम होता देख क्या अब बिहार सरकार को सभी कक्षाओं के संचालन का आदेश जारी कर देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।